हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर माता अकेली ही काफी है अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए। नमस्कार, आज मैं आशिल यादव इस डिजिटल कवि सम्मेलन की संचालक कवि सम्मेलन के इस मंच से आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ एवं आप सभी को माता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा है इस कठिन परिस्थितियों में हमारे कवि सम्मेलन की इस प्रयास को आप सराहेंगे एवं कार्यक्रम के अंत तक बने रहकर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। अपनी छाव में जिसने मुझे धूप से बचाया, अपनी छाव में जिसने मुझे धूप से बचाया, मुसीबतों से लड़ना भी उसी माँ ने सिखाया। केवल चलना ही नहीं जीना भी उसी ने सिखाया, केवल चलना ही नहीं जीना भी उसी ने सिखाया, जिसके आगे संपूर्ण सृष्टि ने अपना शीश झुकाया। उसी जननी को अपना प्रेम समर्पित करती हुई कशिश अग्रवाल को मैं उनकी स्वरचित कविता के माध्यम हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अनुष्ठान में तुम ही मेरी भगवान हो माँ। आज माता दिवस के अवसर पर जहाँ सभी अपनी माँ अपनी जननी के लिए अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं भी अपनी माँ अपनी जननी को अपनी भावांजलि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी मेरे भावों से जुड़े रहेंगे। कैसे बताऊँ माँ तुझको मैं कितना तुझे चाहती हूँ, कैसे बताऊँ माँ तुझको मैं कितना तुझे चाहती हूँ, तेरे प्यार के आंचल में पल पल कैसे ढल जाती हूँ, तेरे प्यार के आंचल में पल पल कैसे ढल जाती हूँ। एक आंसू जो गिरता मेरा झट से तू पहचान लेती है, माँ की ममता तो होती ही इतनी पवित्र है कि उसके बच्चे के ऊपर आई हुई हर मुसीबत वह अपने सर लेने के लिए तत्पर रहती है। एक आंसू जो गिरता मेरा झट से तू पहचान लेती है, माँ की ममता तो मेरे यारों वेद पुराण भी बखानती हैं, वेद पुराण भी बखानती हैं। माथा गर्म हो जाए कभी मेरा, माथा गर्म हो जाए कभी मेरा, पल में तू घबरा जाती है। आखिर एक माँ से ज्यादा अपने बच्चों को कौन चाहती है, आखिर एक माँ से ज्यादा अपने बच्चों को कौन चाहती है। एक समय खाना जो ना खाऊं मैं, एक समय खाना जो ना खाऊं मैं, दिल तेरा नहीं मानता है, 100 किताबें पढ़ ली मैंने, कोई तेरा ऋण चुकाना नहीं जानता है। माँ आज तक तूने मुझे बचपन से पाला पोसा इतना बड़ा किया, परंतु आज जब मेरी ऋण चुकाने की बारी आई तो मैं आज तेरा ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तेरा ऋण तेरा प्यार सब अमूल्य है। तेरे प्यार का कोई मोल नहीं है माँ, तेरे प्यार का कोई मोल नहीं है। 10 लोगों के घर में भी तू, 10 लोगों के घर में भी तू परिवार ऐसे बांधे रखती है। माँ तू ही तो वो है जो एक मकान को घर बनाती है, जो एक मकान को घर बनाती है। हृदय मस्तिष्क सब में व्याप्त है तू, हृदय मस्तिष्क सब में व्याप्त है तू, कैसे प्यार जताऊं तुझको, किस गली में जाकर माँ मैं ऋण तेरा चुका पाऊं मैं, ऋण तेरा चुका पाऊं मैं। तू ही तो सहारा है वो माँ, तू ही तो सहारा है वो माँ, जो हर दुआ में रखती मेरा बसेरा। माँ जहाँ मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, मेरे सुख में मेरे दुख में जहाँ मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, माँ वहाँ तेरी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तू अपनी हर दुआ में मेरी हर खुशी की कामना करती है माँ। जहाँ मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ मेरे साथ तेरी दुआएं खड़ी होती हैं। चंद अक्षरों में कैसे बयां करूँ तुझे मैं, चंद अक्षरों में कैसे बयां करूं तुझे मैं, तू चंद अक्षरों की भागी नहीं है, तेरे ऊपर तो मेरी माँ 100 वेद पुराने भी वारी गई हैं, 100 वेद पुराने भी वारी गई हैं। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मांगने पर पूरी जहां हर मन्नत होती है, मांगने पर पूरी जहां हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वह जन्नत होती है। तुझे शत शत नमन मेरी माँ, तुझे शत शत नमन। पूजा में अनुष्ठान में तुम ही हो माँ, मेरी पल पल करती सांसों की रचनाकार तुम ही हो माँ, मेरी पल पल करती सांसों की रचनाकार तुम ही हो माँ, मेरा संपूर्ण जीवन और जीवन की अद्भुत स्मृति तुम ही हो माँ, मेरे जीवन का आधार और सार भी तुम ही हो माँ, तुम ही हो माँ।
माँ एक अच्छी बहन होती है, माँ एक अच्छी सहेली भी होती है। माँ सबकी जगह ले लेती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक स्त्री की अनेक भूमिकाओं के प्रति समर्पित एक कविता लेकर आ रही है सौम्या सोनियाल। नमस्कार, मैं सौम्या सोनियाल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की छात्र। आज इस मातृ दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में मैं उन सभी माताओं के प्रशंसा में अपने कुछ चंद शब्द अर्पित करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आएगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, जहाँ औरतों को बेचारी, अबला, कमजोर समझा जाता है। चाहे औरतें जितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमेशा एक परिवार का मुखिया, एक प्रधान जो होता है परिवार का, वो हमेशा एक नर, एक पुरुष ही होता है। तो इस मानसिकता को का विरोध करते हुए और औरतों की शक्ति को दिखाते हुए मैंने ये लिखा है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मैं वो नहीं जो आग में जलकर धुलस जाऊं, मैं वो नहीं जो भय के आगे बिखर जाऊं, मैं वो नहीं जो कष्ट को सहती चली जाऊं, मैं वो नहीं जो राख बनकर खाक हो जाऊं। मैं कुमकुम सी लाल हूं, शून्य नहीं मैं लाख हूं। शांत है अगर तू तो मैं भी शांत हूं, और जो चिंगारी लगाई तो तेरी चिता की आग हूं। आंख मूंद ले तू मुझसे नजरे न मिला पाएगा, आंख मूंद ले तू मुझसे नजरे न मिला पाएगा, इतना तेज है इन आंखों में कि सूर्य तक झुक जाए। सुंदरता भरी है कूट कर, ममता भरी है इस कदर कि पर्वत भी मेरे रूप के आगे स्वयं झुक जाएगा, पाषाण भी ममता को पाकर बर्फ सा पिघल जाएगा। पति की आज्ञा मानने वाली वो अनसुईया भी मैं बन जाऊंगी, जो यमराज तक से मांग लाए पति के प्राण, वो सावित्री भी मैं बन जाऊंगी। पिता की आज्ञा मानने वाली वो अनसुईया भी मैं बन जाऊंगी, जो यमराज तक से मांग लाए पति के प्राण, वो सावित्री भी मैं बन जाऊंगी। अधूरे विश्वनाथ की विशालाक्षी भी मैं बन जाऊंगी, जो अत्याचार करने की कोशिश की तो काली भी मैं बन जाऊंगी। फिर पूरे जगत में त्राही त्राही मच जाएगी, क्योंकि काली को तो सिर्फ शिव की छाती ही रोक पाएगी, काली को तो सिर्फ शिव की छाती ही रोक पाएगी। रूप इतने हैं मेरे कि तू भयभीत हो जाएगा, रूप इतने हैं मेरे कि तू भयभीत हो जाएगा, चाह कर भी तू मेरा ये ऋण न चुका पाएगा। तुझे जन्मा है जिसने वो माँ भी हूं मैं, तेरे साथ जन्मी है जो वो बहन भी हूं, तेरे लिए है जन्मी जो वो पत्नी भी हूं, तूने जन्मा है जिसे वो बेटी भी हूं। अधूरा है घर मेरे बिना, सूना है मन मेरे बिना, अधूरा है घर मेरे बिना, सूना है मन मेरे बिना, बिन मेरे सुकू कहीं नहीं, वात्सल्य अधूरा है मेरे बिना। और ये आखिरी की लाइनें मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी जो ये समझते हैं कि एक औरत की सुरक्षा, एक नारी की सुरक्षा हमेशा एक पुरुष ही कर सकता है। एक नारी में इतनी ताकत नहीं, इतनी शक्ति नहीं होती कि वो स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है। एक नारी में इतनी शक्ति है कि उसे पूर्ण ब्रह्मांड में सबसे, सभी प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उन लोगों को बताते हुए मैं ये लाइनें कह के समाप्त करना चाहूंगी कि औरत हूं मैं, मुझे कमजोर ना समझ, औरत हूं मैं, मुझे कमजोर ना समझ, ये याद रख कि तू भी मेरा ही हिस्सा है। औरत हूं मैं, मुझे कमजोर ना समझ, ये याद रख कि तू भी मेरा ही हिस्सा है, और मुझसे ही तेरे होने या ना होने का किस्सा है, और मुझसे ही तेरे होने या ना होने का किस्सा है। औरत हूं मैं, मुझे कमजोर ना समझ, औरत हूं मैं, मुझे कमजोर ना समझ। बच्चों को खिलाकर जब सुला देती है माँ, बच्चों को खिलाकर जब सुला देती है माँ, तब जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। चाहे हम खुशियों में अपनी माँ को भूल जाए, चाहे हम खुशियों में अपनी माँ को भूल जाए, जब सिर पर मुसीबत आती है तो याद आती है माँ, जब सिर पर मुसीबत आती है तो याद आती है माँ। आगे चलते हुए अब मैं
अपनी जननी के प्रति श्रद्धा और प्रेम को अपनी रमणीय कविता के दर्पण में प्रस्तुत करती हुई अर्पिता सिंह को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज मातृ दिवस के अवसर पर मैं दुनिया की सबसे हिम्मती माँ हूँ सैनिकों की माँ को अपनी कविता समर्पित करना चाहूंगी, जो अपने बच्चों से दूर रहती हैं और उन्हें देश की सेवा करने में लगा देती हैं। कविता के शब्द शून्य हैं, लेखनी भी आज मौन है, भाव तरंगे भी भाव से शून्य है, दिग्दिगांतर कर रहे कंदन तिरंगे में लिपटा माँ का लाल है। आज बचपन की हर अटखेलियों की छाया पकड़ती माँ की उस ममता भी व्याकुल है। अश्रुधार हिम बनकर रह गए चेतना शून्य माँ की ममता हो गई आज ढल रही थी जीवन संध्या जिसके सहारे उसे भी कर दिया समर्पित मातृभूमि के लिए। जगमगाती थी कुटिया जिस कुलदीप से कर चुकी उसे भी न्योछावर तम संसार के हरने के लिए। आज कांपते हुए हाथ फिर खोजते हैं तिरंगे में लिपटी अपनी ममता को, अश्रुपूरित नयनों से नमन करती हूँ हे वीर पयस्विनी माँ तेरे रश कर्ण को। धन्यवाद। अपने मातृभूमि के प्रति एक सैनिक के कुछ सुंदर शब्द इस प्रकार है। अपने वतन की खातिर मैं हर दर्द सह लूंगा, निकले जो प्राण बदन से मैं खुश हो लूंगा, जिस मातृभूमि ने बड़ा किया उसके चरणों में अपने प्राण नमन कर दूंगा किसी कवि ने सही ही कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गतपि गरियसी, अर्थात मेरी माँ और मातृभूमि मेरे लिए सबसे सुंदर और प्रिय है। इसी से प्रेरित होकर वीरता और श्रद्धा से परिपूर्ण एक कविता लेकर आ रहे हैं रिदम गुंबर। सुप्रभात। आज सबके समक्ष मैं हमारी माँ यानी मातृभूमि के लिए एक सैनिक द्वारा व्यक्त किए गए भावों को एक स्वरचित कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ। कृपया मेरी कविता का समर्थन कीजिए कि जब एक सैनिक एक माँ की रक्षा के लिए दूसरी माँ को त्यागता है तो वह सोचता है कि माँ तेरे चरणों में मैं आ गया एक अनमोल चरण को त्याग कर तेरी सेवा का सौभाग्य मिला हर कठिन परीक्षा लांघ कर। ना बाग वो तालाब वो ना माँ मेरी के खाब वो तेरी रक्षा ही मेरा धर्म है तुझ में मिलने तक साथ जो कमजोर मुझे तू ना समझ। अब ये सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस कदर लीन है कि कमजोर मुझे तू ना समझ वीरों का मैं वीर हूं तेरी सीमा को कोई छू भी दे इस तन से गोलियां चीर दूं मेरे हृदय में स्नेह इस कदर भरपूर है कि तेरे गौरव के लिए मुझे झुकना भी मंजूर है। अनेक लड़ाइयां लड़कर इस घड़ी जब एक सैनिक वीर गति की ओर प्राप्त होता है तो अपनी दोनों माओं को दिलासा देते हुए कहता है कि हर जंग लड़ा इस मिट्टी पर अब इस घड़ी इस मिट्टी में ही मिल जाऊंगा।
अब इस घड़ी इस मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। वीर गति क्या होती है, वह पूछता है, वीर गति क्या होती है। मैं रक्षक हूं एक माँ का, हर दिल में जगह बनाऊंगा, हर दिल में जगह बनाऊंगा। ए माई मेरी, क्यों नींद नहीं तुझे आती है। ये पंक्तियां उन माओं के लिए है जो अपने पुत्र की याद में आज भी रो रही हैं कि माई मेरी क्यों नींद नहीं तुझे आती है, क्यों याद मेरी सताती है। यशोदा तू मैं पुत्र तेरा, यशोदा तू मैं कान्हा तेरा, मुझे अमर का दर्जा दिया गया। आंखों से तेरी ओझलत हुआ, पर ये लाल तेरा तुझ में ही बसा, ये लाल तेरा तुझ में ही बसा। और इस तरह एक सैनिक हमेशा के लिए अमर हो जाता है। धन्यवाद। अगर जीवन में माँ का साथ हो तो कठिन से कठिन रास्ता भी सरल हो जाता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहने की ताकत मिल जाती है। हंसी और विनोद तो जीवन के वह भाव है जिनका मूल्य ही अमूल्य है। ऐसी ही एक मजेदार चित्रंजक कविता लेकर आ रहे हैं शिखर गंगवार, जिसे अवश्य ही आप सभी हंसी से गुदगुदाएंगे। सुप्रभात, मैं शिखर गंगवार इस मातृ दिवस के एक शुभ अवसर पर आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने के लिए बैठा हूँ। तो सुनिए कि नई नई कमाई दौलत के किस्से चीखे नहीं जाते, कि नई नई कमाई दौलत के किस्से चीखे नहीं जाते। हम कलाकार हैं, बुलाए जाते हैं, खरीदे नहीं जाते। चार पंक्तियों से शुरुआत कर रहा चाहता हूँ। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। बम्बई में मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा, होटल ताज का क्या लेगा। वो बोला, बेचना ही नहीं है। आप बताइए, हम हिंदुस्तानी लोगों का कहीं जवाब है। मैं कहता हूँ नहीं, जवाब नहीं है। एक जगह एक अमेरिकन, एक जैपनीज और एक जर्मन बैठे थे। अमेरिकन बोला, मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारी खोज है। जैपनीज बोला, सिम कार्ड हमारी खोज है। और वहीं जर्मनी वाला बोला कि ब्लूटूथ हमारी खोज है। वहां पे एक भारतीय भी बैठा था, शान से खड़ा होकर बोला कि मिस कॉल हमारी खोज है। बताइए जरा, ऐसी हंगामा टेक्निक है किसी के पास। एक जैपनीज भारत आया, उसने एयरपोर्ट से होटल तक के लिए ऑटो किया। रास्ते में एक होंडा गाड़ी ने ओवरटेक किया। जैपनीज बोला, होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट। कुछ दूर जाके एक टोयोटा गाड़ी ने ओवरटेक किया। जैपनीज बोला, टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। तभी होटल आ गया। जैपनीज बोला, हाउ मच। ऑटो वाला बोला, 2000 रुपीज। जैपनीज बोला, दिस इज टू मच। ऑटो वाला बोला, मीटर मेड इन हिंदुस्तान वेरी वेरी फास्ट। देखिए आजकल की मीडिया कितनी आगे बढ़ गई है। आजकल हमारे देश का बच्चा 1 से लेकर 100 तक की गिनती तो चैनल बदल बदल कर ही सीख जाता है। ये चैनल दिन रात खबरें बता रहे हैं, न जाने इतनी खबरें कहाँ से ला रहे हैं। इतना कंपटीशन है कि एक बार पूना में बम विस्फोट हुआ, 4 बम लगे थे। जी न्यूज ने कहा 5 बम विस्फोट हुए। वहीं स्टार न्यूज ने कहा 6 बम विस्फोट हुए। बाद में दोनों ने माफी मांगी। अच्छा, दूरदर्शन ने तो माफी भी नहीं मांगी, छोड़ यार कौन देख रहा है। और ये चैनल इतने तेज है कि इधर घटना घटी और उधर ये रिपोर्टर कैमरामैन के साथ हाजिर। कई बार तो घटनाओं को इंतजार करना पड़ता है। आइए जानते हैं न्यूज चैनल वाले कैसे सवाल पूछते हैं। जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तब पहुंच गया वहां कि आप देख सकते हैं यहाँ कितनी चहल पहल, ऐसा लग रहा है यहाँ कुंभ का मेला लगा है। हमारे एक जवान को गोली लगी है, तो आइए इनसे पूछते हैं इन्हें गोली कैसे लगी। तो जवान ने उत्तर दिया, ऐसा है कि मैं अपने घर पे आराम कर रहा था, गोली आई, दरवाजा खटखटाया, बोली मैं लगूंगी, मैंने कहा लग जा। अब ये चले गए दूसरे सैनिक के पास। बोले, जब बम गिरा तो क्या फटा। सैनिक बोला, जी नहीं, बम पहले गिरा, रेंगता हुआ मेरे पास आया, फिर प्यार से बोला फट जाऊं, मैंने कहा फट जा। देखिए न्यूज चैनल से हर 10 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज आती है, पर वो ब्रेकिंग न्यूज ना जोकिंग न्यूज ज्यादा होती है। अब आप सुनना जरा कि
अभी अभी हमारे दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली में बर्फ गिरी है, तो आइए आपको ले चलते हैं जहां हमारे संवाददाता दीपक जी मौजूद है। तो दीपक जी, आप हमको विस्तार से बताइए कि यह सब कैसे हुआ। वहां से दीपक ने बोला कि एक आदमी चांदनी चौक पे साइकिल से बर्फ लेकर जा रहा था, गिर गई। अच्छा, वक्त का मैं तो मैं वक्त पे भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि वक्त शाश्वत है, वक्त चलता रहता है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक बात और कि जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था, और आज मेरे पास वक्त है फिर आज मेरा वक्त नहीं। अब मैं अंतिम कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ कि घर के नल में पानी नहीं पर मिनरल वाटर गली गली मिल जाता है। पिज्जा खाना हो तो डिलीवरी 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन किसी की जान जा रही हो तब भी एम्बुलेंस 2 घंटे में नहीं आएगी। जूते एसी शोरूम में मिलते हैं परंतु सब्जियां फुटपाथ पर बिकती हैं। जब कोई खिलाड़ी एक सेंचुरी मारता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वहीं कोई जवान सीमा पर शहीद होता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। एक बात और, सुंदरता हमेशा पर्दों में अच्छी लगती है। हमें अपनी आंखें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि इन पे पलकों का पर्दा है। हमें अपना शरीर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इन पे चमड़ी का पर्दा है। भाषा हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें भावनाओं का पर्दा है, और हमें जीवन इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि इसमें संस्कारों का पर्दा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मोहब्बत धर्म वफा ईमान हो जाए, मोहब्बत की अब तुम्हारे दिल की पहचान हो जाए, भले अपने हो या दूजे, रहे प्यार से सब, इसमें तुम इतना दिल को फैला दो इतना कि हिंदुस्तान हो जाए, हिंदुस्तान हो जाए। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।